नमस्कार फरीदाबाद, मैं जूही शर्मा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम आज पहुँचे हैं ओल्ड फरीदाबाद अग्रसेन चौक के पास। यहाँ पे आग लग गई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और जहाँ आग लगी है वो दिल्ली गारमेंट्स है। आप देखिए, देख सकते हैं आप सब। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था। नमस्ते अंकल। अंकल, आग लगने का क्या कारण था? पता नहीं, अभी तो बुझी नहीं है। आग लगने का कारण गाड़ी निकलेगी, अरे पता चलेगा। साइड में ब्रेक लगाओ ना। सुने सुने, ये लकड़ा उड़ा का आग कुछ नहीं, पावर का आग है। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगातार प्रयास कर रही है आग बुझाने की। देख सकते हैं आप, दिल्ली गारमेंट और फरीदाबाद अग्रसेन चौक पर। देख सकते हैं आप, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन आग लगने का मुख्य कारण क्या था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। कोई शॉर्ट सर्किट या और कोई कारण आग लगने का? देखिए आप, लगातार प्रयास जारी है कि आग को बुझाकर काबू में किया जा सके। आग पे अभी तक काबू नहीं पाया गया है। ये दिल्ली गारमेंट्स की शॉप है। मैं आपको दोबारा बता दूं, ओल्ड फरीदाबाद अग्रसेन चौक, ओल्ड फरीदाबाद का मार्केट है ये। दिल्ली गारमेंट्स पे आग लगी है। आग पे अभी तक काबू नहीं पाया गया है। लगातार कोशिश जारी है कि आग पर किसी तरह काबू पाया जा सके। देख सकते हैं आप धुआं निकलते हुए। भैया, आग लगने का क्या कारण था कुछ पता है आपको? आग लगने का कोई होगा, कोई शॉर्ट सर्किट से या और कोई कारण हो सकता है, लेकिन अभी किसी को भी नहीं पता कि आग लगने का कारण क्या था। देख सकते हैं आप, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है यहाँ पर। देखिए, दो दो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और आग बुझाने का लगभग प्रयास जारी है। देखिए आप देख रहे होंगे कि धुआं निकल रहा है। ये दिल्ली गारमेंट्स का है। देखिए, दिल्ली गारमेंट शॉप है ये। भैया, आग लगने का क्या कारण है कुछ पता है आपको? यहाँ देखिए आप, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था, कोई शॉर्ट सर्किट की वजह या और कुछ। आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं यहाँ पे, दो दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि आग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो आग लगने का मुख्य कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। भैया, कितने बजे आग लगी कुछ पता है आपको? आप जानते हैं कुछ? अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि कितना नुकसान हुआ है या आग कितनी भयंकर है। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जी जीतू राजपूत जी यहाँ पूछ रहे हैं कि कहाँ पे लगी है आग। सर, ये ओल्ड फरीदाबाद का मार्केट है, ओल्ड फरीदाबाद का मार्केट है, अग्रसेन चौक पर आग लगी है। जी 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 जी, दिल्ली का चिराग कुमार जी कह रहे हैं। जी जी, दिल्ली गारमेंट्स है ये, अग्रसेन चौक पे, ओल्ड फरीदाबाद का मार्केट है। देखिए आग, वो धुआं निकल रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। लगातार प्रयास जारी है कि आग पे किसी तरह काबू पाया जाए। यहाँ पे दो दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है ताकि आग पर काबू पा सके। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है और बराबर बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है और शायद आग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आग लगने का कोई मुख्य कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आप लोगों को कुछ पता है आग कब लगी?
देखिए देखिए लगातार धुआं बढ़ता ही जा रहा है। सुधीर सिंह जी पूछ रहे हैं किस चीज की शॉप है। सर ये दिल्ली गारमेंट्स की शॉप है। देखे हाँ सर देखे मैन पावर का आग है तो जो तो आग लगभग कितने बजे के आसपास लगी है सर। अच्छा तो आग किस वजह से लगी, क्या कारण था, कुछ पता है आपको, कुछ जानते हैं आप? अच्छा अच्छा ओके धन्यवाद सर। देखिए आप सुभाष गुप्ता जी, हम आपको बता दें कि ये ओल्ड फरीदाबाद का मार्केट है अग्रसेन चौक के पास। देखिए देखिए कोशिश चल रही है आग बुझाने की, लगातार प्रयास जारी कर रही है। यहाँ पे दो दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी ही है। देख सकते हैं आप, हमें पास जाने के लिए मना कर दिया गया है, हमें आगे जाने के लिए मना कर दिया गया है क्योंकि आगे जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं आपको जितना दिखा पा रही हूँ कि यहाँ पे दो दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं। सर आग लगने का क्या कारण कुछ पता है आपको? तो कितने बजे के आसपास आग लगी है? कितने बजे के आसपास आग लगी? एक घंटा हो गया। एक घंटा हो गया जी सर। पौने एक बजे करीब। तो सर आग लगने का कोई मुख्य कारण, कोई शॉर्ट सर्किट या और कुछ कुछ जानते हैं आप? ओके शॉर्ट सर्किट से हुई है ना, लास्ट फ्लोर पे हुई है, लॉक शॉर्ट सर्किट। अच्छा देखा, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इसके लास्ट शॉर्ट सर्किट ही लोग कारण बता रहे हैं आग लगने का, बाकी मुख्य कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। देखिए आप प्रयास जारी ही है अभी तक आग बुझाने का, लेकिन अभी तक कोई वैसा काबू नहीं पाया गया है, धुआं निकल ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। लतिका जी हमसे पूछ रही है दुकान कौन सी है। लतिका जी ये दुकान दिल्ली गारमेंट्स की दुकान है, ओल्ड फरीदाबाद के मार्केट में हम मौजूद हैं। मौके पर हम पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि आग पर कोई काबू पाया गया है, लगभग प्रयास जारी है। आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पे किस कदर भीड़ जमा हुई है। देखिए आप लोगों की भीड़ देखिए आप देखिए लगातार धुआं उठ रहा है। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, देखिए धुआं लगातार उठ रहा है और धुआं बढ़ता ही जा रहा है। हरीश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं ओल्ड फरीदाबाद। जी हरीश अग्रवाल जी, हम ओल्ड फरीदाबाद के मार्केट में मौजूद हैं। देखिए प्रयास जारी है अभी तक दो दो है यहाँ। देखिए पुलिस कर्मी भी यहाँ पे मौजूद है और दो दो एम्बुलेंस है यहाँ पे। वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आग पे किसी तरह काबू पाया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं धुआं बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको पता है कि आग लगने का क्या कारण है? आग पर काबू नहीं पाया गया अभी तक। मीडिया वाले हो? जी जी। यहाँ जब बारिश होती है पानी दुकान में बजा जब क्यों नहीं आते, इसका मुद्दा उठाएंगे अंकल। फिलहाल फिलहाल आग पर काबू पा ले। उसमें भी दे दिया है रुको यार बात करना दो। आग पर काबू पा ले तो सर उसके बाद आपका मुद्दा सुनते हैं। देखिए आप धुआं बढ़ता ही जा रहा है, धुआं कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है।
अभी हमें ये नहीं पता कि आग पर कितना काबू पा लिया गया है, लेकिन लगातार प्रयास जारी है। देखिए जोड़ेंगे आपको ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।